नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अड़ई इडली बनाना बताऊंगा। वैसे तो आपने चावल से बनी हुई इडली खाई होगी, पर आज मैं आपको इडली रवा से बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लगती है। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इडली रवा और इडली राइस कैसे बनाते हैं। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, क्योंकि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे। और हाँ, आप इसे पीनट चटनी यानी कि मूंगफली की चटनी के साथ खाइएगा, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अड़ई इडली। अड़ाई इडली बनाने की सामग्री है: इडली का चावल 1 कप, इडली रवा 1 कप, उड़द दाल 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच दही हमने लिया है जिसे हम छाछ बनाएंगे, इनो या फ्रूट साल्ट ले सकते हैं, 6 लाल मिर्च है, 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं, 2 चम्मच चना दाल, हींग 1 पिंच और पानी। इडली रवा और रवा में फ़र्क ये है कि जो इडली रवा है उसके अंदर हम लोग सेम क्वांटिटी में रवा लेते हैं और सेम क्वांटिटी में उड़द दाल लेते हैं, तो बनती है वो इडली रवा। और इडली के लिए जो चावल यूज किया जाता है वो स्टीम किया हुआ राइस होता है, मतलब जो चावल होता है उसे पहले उबालते हैं, उबाल के फिर उसे सुखा लिया जाता है जिससे उसके अंदर का जो फैट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम इडली के लिए इस तरह के राइस लेते हैं। अब हम इसे दोनों को सेम क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी, रवा इडली और चावल की इडली। इडली रवा और चावल को हमने मिला लिया है। अब हम चना दाल डालेंगे, उड़द दाल डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे हम एक बार अच्छे से धो लेंगे। हमने एक बार इसे धो लिया है। अब इसमें हम छाछ डालेंगे, जो 2 चम्मच दही थी उसको हमने पानी डाल के छाछ बना लिया है। हींग डालेंगे, नमक डालेंगे। इसे मिक्स करके हम 4 घंटे के लिए रखेंगे फर्मेंट होने के लिए, मतलब ये ठीक तरह से फूल जाए। हमने 4 घंटे के बाद इसे मिक्सर में पीस लिया है और पीस के इस तरह से इसके बैटर बना हुआ है। अब इसमें हम इनो या फ्रूट साल्ट डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा इनो और थोड़ा सा पानी मिलाया जिससे इसका एरेशन होना शुरू हो गया। और अब हम इसे स्टीमर में डालकर बना लेंगे। हमने इडली के स्टीमर को रख लिया है और अब हम इसमें इसके सांचा हमने डाल दिया है और अब हम इसे थोड़े से ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसी तरह से दूसरे सांचे को भी रखेंगे और ग्रीस कर लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। अड़ई इडली स्टीम होके रेडी है। हम गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे निकालेंगे। देखिए कितनी सुंदर इडली बनी हुई है। अब हम इसे निकाल के प्लेट में लगा लेंगे। अड़ई इडली बनकर तैयार है। इसे हम पीनट की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब पीनट चटनी की रेसिपी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी सुंदर बनी है।
आप भी इसी तरह से बनाइए। हमने ये रेसिपी आपसे शेयर की है, आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।